ऐसा है कि हमारे घर में ननूठैया अम्मा और भूतिया पिताजी कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं <laughs> तो हम थोड़ा सा उनसे ब्रेक लेके जो है ये प्रेम की नगरी कही जाने वाली आगरा में आए हैं नमस्कार आयनेक्स लाइव पर हमारे साथ में है गीतांजलि मिश्रा और आपका परिचय मैं बता दूं कि हप्पू की उल्टन पलटन में जो आप इस समय लीड रोल में देख रहे हैं हप्पू के अगेंस्ट में और ननूठैया बच्चों की मां <laughs> आप गीतांजलि को मेरा नमस्कार हाँ, प्रणाम सभी को दिल से जय सिया हम है गीतांजलि मिश्रा, मैं हप्पू सिंह की पत्नी हूँ और दबंग मतलब वो होता है ना कि दरोगाइन <laughs> कहते हैं कि नोट से ज्यादा चिल्लर साउंड करता है ऐसे हिंदी में कहावत है तो बिल्कुल वैसा ही हमारा दबदबा है घर में दरोगा जी की भी कुटाई कर लेते हैं बच्चन की भी कर लेते हैं अम्मा से भी तू, -तू बहस चालू रहती है तो हम लोगों का ये चो युद्ध जो है ना ये दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है हर परिवार का हिस्सा है ये हर घर में होता है ये तो मैं एक बहू हूँ सास जो है मुझे बहू भी ट्रीट करती है बेटी भी ट्रीट करती है नौ नौ बच्चों की माँ हूँ पत्नी हूँ और ये हर उस ज्वाइंट फैमिली में जिसे कहते हैं सामूहिक पारिवारिक फैमिली में देखे जाने वाला शो है और उन्हीं के लिए बना है तो मेरे शो में नया ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे स्पेसिफिकली कि ये चीज देखिए पर वो हर चीज है जो आपके घरों में होती है ए, वो जो वकील साहब है अब तो खैर शादीवादी हो गई है उनकी हा, वकालत बीवी के संग झाड़ते रहते हैं और हम लोग उनके सामने झाड़ते रहते हैं ना तो एक केस आता है ना है, जब देखो तब घर में बैठे रहते हैं, नहीं नहीं, नहीं, तो मतलब दफा तो वाली होती है पर हम बड़े ठहरे तो नहीं कर पाते हैं। <laughs> चलो वकील साहब की कहानी खत्म हुई बॉलीवुड जो शिफ्ट हो रहा है बड़े बड़े आर्टिस्ट आज की डेट में जो पे हाँ आ रहे हैं

अवेलेबल ऑप्शन बेसिकली सही देखा जाए तो ये उनके लिए है कि आप अपने काम के बीच में आपसे दस मिनट मिला वो दस मिनट आप एंजॉय करना चाहते हैं क्या देखना चाहते हैं हंसना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में कोई जद्दोजहद चढ़ रही कोई उतार चढ़ाव चढ़ रही उससे रिलेटेड कुछ देखकर आपको शांति मिलती सुकून मिलता है उस तरह के हजारों कंटेंट पड़े हैं उस तरह की चीज आप देखना चाहते हैं मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ आप सब सब भी होंगे एक जनगणना के हिसाब से जिस तरह की जनगणना होती है उसी तरीके से फिल्म का भी फिल्म की भी जनगणना होती है हमारे सालाना 120 फिल्में करीब करीब बनती हैं मुझे नहीं लगता कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है साल में 20-25 फिल्मों से ज्यादा थिएटर में जाके देख पाता है तो टेलीविजन सबसे बड़ा सहारा है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं टेलीविजन पर उपस्थित हूँ और लोग मुझे जानते हैं टेलीविजन के जरिए जो हमारा यंगस्टर है जिसको करियर की तमाम राह चुननी है उसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए और किस तरीके से उसका पैथ होना चाहिए जिससे वो सफलता की तरफ आगे दिखे जो दर्शक हैं नॉर्थ इंडिया के वो सभी मेरे चेहरे से रूबरू होंगे तो मैं अपने से पहले जो सर आपने एक सवाल किया कि जो यंगस्टर्स हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको पारिवारिक सपोर्ट लेने की बहुत जरूर, जरूरत पड़ेगी और क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे स्ट्रगल का लेवल बहुत ज्यादा है ये आ, ग्लैमर वर्ल्ड जितना चकाचौंध की जो दुनिया है जितना आपको आ, आकर्षित करती है उतनी आकर्षित है नहीं आ, महानगरों में जिंदगी इतनी आसान नहीं है महंगाई जो है वो कहते हैं ना कि नदी में डूबने पर इंसान को पानी अगर यहाँ तक है तो सरवाइव कर लेगा लेकिन पानी यहाँ तक है तो सांस लेना मुश्किल है तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे जब आपका सपोर्ट सिस्टम जो है आ, बहुत स्ट्रांग हो हर व्यक्ति इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता लेकिन अगर उसको पता है ना कि कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा सही तो अगर तो अगर पारिवारिक सपोर्ट होगा मुझे लगता है आपकी राह ज्यादा आसान हो जाएगी तो बाकी की इंडस्ट्री बाकी की जगहों की तरह आप यहाँ पे भी स्ट्रगल करिए हर जगह इंटरव्यू देना पड़ता है वैसे हमारे यहाँ ऑडिशन देने पड़ते हैं और एक ही सही रास्ता है सही दिशा में जाने का ऑडिशन देना इंटरव्यू देना अगर आप सक्षम होंगे आप योग्य होंगे तो जरूर आपको काम मिलेगा कोई तीसरा एंगल नहीं चलता